हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फंडा। कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज इसका रहेगा पार्ट 3। अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में ये जो तीन वीडियोस है इसमें 2019 के सभी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो हैं हम कवर कर रहे हैं, यानी कि जुलाई तक के सारे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इन तीन वीडियोस के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। इसके अलावा CDS का पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मॉक्स परचेज करने हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विराट कोहली और स्मृति मंधाना जो है उनको चुना गया है विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018। विराट कोहली जो है ये लगातार तीसरी बार चुने गए हैं विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसके अलावा जो हमारे राशिद खान हैं जो अफगानिस्तान से आते हैं, उनको लगातार दूसरी बार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो है क्लियर पोलोसेक, इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये पहली वूमेन बनी है, ऑस्ट्रेलिया की है पहली वूमेन बनी है जिन्होंने मेन के क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी रिसेंटली फाइन इम्पोज किया था किस देश के ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जो कमिटमेंट्स थी मैचेस की, जो न्यूजीलैंड, जर्मनी और देशों में मैचेस होने थे वहां पर पाकिस्तान नहीं गई, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी फाइन जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इम्पोज किया था किस पर? पाकिस्तान पर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। साउथ कोरिया ने इंडिया को सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में हरा दिया था, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस बार जो है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप कहाँ पे हो रहा था? तो ये हो रहा था मलेशिया में। जीता किसने है? साउथ कोरिया ने। किसको हराकर? इंडिया को। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की काफ़ी फेमस है, इस बार जीती है सर्विसेज ने। किसको हराकर? पंजाब को। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारा एशिया का एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप चल रही थी चाइना में, वहाँ पे इंडिया ने एक गोल्ड जीता है, एक सिल्वर जीता है, एक ब्रॉन्ज जीता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो गोल्ड जीता गया है इकलौता, वो जीता गया था बजरंग पूनिया जी के द्वारा, और उनकी वेट कैटेगरी कौन सी है ये आपने ध्यान में रखनी है। तो वो है 65 kg वेट कैटेगरी, तो ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा बजरंग पूनिया जी जो है पहले इंडियन रेसलर बन गए हैं जो अपना मैच खेलने वाले किस जगह पर? जो आइकॉनिक न्यूयॉर्क आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन है वहाँ पर, जो अमेरिका ने इनको इनवाइट किया था, वहाँ की रेसलिंग फेडरेशन ने इन्हें इनवाइट किया था। तो इस वजह से ये ध्यान में रखना है, बजरंग पूनिया जो है पहले इंडियन रेसलर बने हैं जिन्होंने फाइट लड़ी है कहाँ पर? न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, 23rd एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है ये कहाँ पर हो रही थी? तो ये हो रही थी दोहा कतर में। इसके अलावा इंडिया का क्या रैंक रहा है मेडल टैली में? इंडिया का रैंक रहा है 4th spot। इंडिया ने सिर्फ 3 gold इसमें जीते थे। चाइना जो है इसमें 2nd आया है, बहरेन ने टॉप किया है और इंडिया रहा है 4th number पर। अब ध्यान में रखना है कि इंडिया की तरफ से 3 gold जीते गए हैं, तीनों के नाम और उनका किस खेल के साथ संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे तेजिंदर पाल सिंह है उन्होंने शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता है। तो अब आपको पूछा जा सकता है कि तेजिंदर पाल सिंह का संबंध किस खेम से है। इसके अलावा गोमती मारीमुथु, इन्होंने वुमेन की 800 मीटर में जो है गोल्ड जीता है, और जो है हमारी पीयू चित्रा, इन्होंने वुमेन 1500 मीटर में गोल्ड जीता है। तो ये तीनों के नाम और कौन सी गेम से इनका संबंध है ये याद रखना है, क्योंकि इन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जो इंडिया ने 3 gold जीते थे वो इनके द्वारा ही जीते गए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं, इंडिया टू होस्ट अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2020। इंडिया जो है वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करेगा 2020 में, तो ये इंडिया का सेकंड फुटबॉल इवेंट होगा। आपने बताना है कि इससे पहले अंडर 17 मैन वर्ल्ड कप भी जो है फुटबॉल का इंडिया में हुआ था, लेकिन किस ईयर में हुआ था और कौन सी जगह में हुआ था ये आपने कमेंट बॉक्स करना है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अभी अभी कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन जो है उसको नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का दर्जा दे दिया है। ये जो कूडो है एक तरह की जैपनीज गेम है, अगर कैटेगरी देखी जाए तो जूडो के अंडर ही आती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इनको रेकोगनाइज कर लिया है। इसके अलावा जिमनास्ट दीपा कर्माकर जो है वो बारबी रोल मॉडल जो है उनको सिलेक्ट किया गया था इस बार, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं जो स्पेशल ओलंपिक्स इस बार हुई है वो कहाँ पे हुई है, आबू धाबी में, यूएई में, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडिया ने इसी गेम्स में कितने मेडल जीते, तो इंडिया ने जीते 368 मेडल्स, लेकिन ये कहाँ पर हुई है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। अब यहाँ पे एशियन यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की बात हो रही है, तो एशियन यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 की कहाँ पर हुई, तो ये हुई हमारी हांगकांग में। इसमें 15 से 17 साल के बच्चे जो है मेजरली भाग लेते हैं। इसमें इंडिया का रैंक कितना रहा, इंडिया का रैंक था सेकंड पोजीशन थी इंडिया की, कितने मेडल जीते, 26 मेडल्स जीते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एशियन यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई और इंडिया का इसमें कौन सा रैंक था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी मिथाली राज जी है वो पहली वुमेन क्रिकेटर बन गई है 200 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाली, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं ईशान किशन जो है पहले इंडियन विकेट कीपर कैप्टन बने हैं, जो मतलब विकेट कीपर भी हो, टीम के कैप्टन भी हो, और उसी दौरान उन्होंने T20 में शतक भी लगाया हो, तो ये कारनामा किया है झारखंड के ईशान किशन ने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रिस गेल जो वेस्टइंडीज के बल्लेबाज हैं वो पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 500 छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदर्भा ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी को इस बार जीत लिया है, और विदर्भा ने ही इस बार ईरानी ट्रॉफी को भी जीता है। विदर्भा ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी भी जीती है और रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर ईरानी कप भी अपने नाम किया है। तो चलिए चलते हैं आगे देख लेते हैं 83rd सीनियर बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप, यानी कि इस बार की नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप एक बार फिर से साइना नेहवाल ने जीती है। एक बार फिर से का मतलब कि लास्ट टाइम भी साइना नेहवाल ने ही जीती थी। इसके अलावा मेंस में नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप का टाइटल किसने जीता है, तो वो जीता है लगातार तीसरी बार सौरभ वर्मा जी ने, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा USA जो है वो ICC यानी हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 105th मेंबर बन गया है, तो आपको अगर पूछा जाए कि लेटेस्ट मेंबर ICC का कौन बना है, तो वो बना है USA। इसके अलावा मोहम्मद शमी जो है फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 100 ODI विकेट्स ली हैं। आगे देख लेते हैं सेकंड एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, पुणे में इस बार हुआ था। इसमें महाराष्ट्र जो है उसने मेडल टैली को टॉप किया था, ये याद रखना है, महाराष्ट्र, पुणे। और अगला एडिशन कहाँ पे होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये होगा गुवाहाटी में। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ पर हुआ था। इसके अलावा अभी अभी जो है वर्ल्ड कप का जो ख़त्म हुआ है हमारा वर्ल्ड कप, इस बार कौन सा एडिशन था वर्ल्ड कप का, तो ये था 12th एडिशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये जीता था वेस्टइंडीज़ ने 1975 में। इसके अलावा 2011 में जीता था इंडिया ने और 1983 में जीता था इंडिया ने, दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी है। इस बार वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो जीता है इंग्लैंड ने, और ये लगातार थर्ड होस्ट कंट्री बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है।
2011 में इंडिया ने होस्ट किया वर्ल्ड कप, इंडिया जीती। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया जीती। 2019 में इंग्लैंड ने होस्ट किया, इंग्लैंड जीती। और अगला वर्ल्ड कप जो है 2023 का, वो भी इंडिया में होने जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इंग्लैंड ने किसको हराया फाइनल में, तो ये हराया उन्होंने न्यूजीलैंड को। इसके अलावा कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के आपने ध्यान में रखने हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा शतक लगाए और किसी वर्ल्ड कप में 5 शतक आज तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं लगाए। उन्होंने एक ही एडिशन जो था वर्ल्ड कप का, उसमें 5 शतक लगाए। किन्होंने? रोहित शर्मा ने। और इसी के साथ उनके वर्ल्ड कप में टोटल 6 शतक हो गए हैं, लेकिन एक ही एडिशन में उन्होंने शतक लगाए हैं 5। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा रन इस वर्ल्ड कप में किसने मारे, तो वो बनाए हैं रोहित शर्मा ने। अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा विकेट इस वर्ल्ड कप में किसने ली, तो वो ली मिशेल स्टार्क ने। ये है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर मिशेल स्टार्क ने। इसके अलावा बेन स्टोक्स जो है वो रहे थे हमारे मैन ऑफ द मैच फाइनल के, बेन स्टोक्स। तो ये भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है। अगर पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, तो वो रहे हमारे केन विलियमसन। जो हमारे केन विलियमसन है वो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, वो रहे हैं हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इसके अलावा एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा जो हमारे इंग्लैंड के कैप्टन है इयॉन मॉर्गन। उन्होंने एक ही मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो था तोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इयॉन मॉर्गन ने एक ही मैच में 17 छक्के लगाए और ये 50 ओवर क्रिकेट के किसी भी एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के हैं। तो ये रिकॉर्ड इयॉन मॉर्गन ने तोड़ दिया है, उन्होंने लगाए थे 17 छक्के। और टूर्नामेंट में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए थे, तो वो भी इयॉन मॉर्गन ने लगाए थे। आगे देख लेते हैं, जो हमारा विंबलडन हुआ है उसकी एक बार आपने विनर देख कर जाने हैं। मैन सिंगल में जो जीता है वो जीता है हमारा डोजोकोविक ने, ये आते हैं सर्बिया से। इसके अलावा हेलेप ने जीता है वुमेन्स का सिंगल टाइटल विंबलडन का, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे देख लेते हैं। बॉक्सिंग टूर्नामेंट अभी चल रहा था जुलाई में इंडोनेशिया में, तो इसमें मैरी कॉम और सिमरनजीत कौर ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान में रखना है सिमरनजीत कौर का रिलेशन किसके साथ है, बॉक्सिंग के साथ। वेट कैटेगरी कितनी है, 60 kg। मैरी कॉम बॉक्सिंग 51 kg कैटेगरी। इसके अलावा हीमा दास ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं जुलाई के महीने में। ये सारे उन्होंने 400 मीटर में नहीं जीते, 2 उन्होंने 400 मीटर में जीते हैं, 3 उन्होंने 200 मीटर में जीते हैं। वो दोनों में ही पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो उनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, हीमा दास जी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिया है कि लखनऊ जो है वो होस्ट करेगा डिफेंस एक्सपो जो 2020 में होगी। इसके अलावा फोकस क्या रहेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, थीम इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, सचिन तेंदुलकर जो है ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में आ चुके हैं। उनको रिटायर हुए को 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि क्राइटेरिया होता है कि रिटायर होने के 5 साल बाद ही आपको इसमें जगह मिल सकती है। तो सचिन तेंदुलकर जी को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई है। इससे पहले पिछले साल राहुल द्रविड़ को ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी। ICC ने सस्पेंड कर दिया है जिम्बाब्वे को क्रिकेट खेलने से, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा रोहन बोपन्ना और स्मृति मंधाना जी को इस बार अर्जुन अवार्ड मिला है। आपने मुझे बताना है कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल के साथ है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, आज के लिए इतने ही थे। अगर कोई स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अभी तक का मिस हो गया होगा, वैसे तो हमने सारे इम्पोर्टेंट कवर कर लिए हैं, अगर कोई रह गया होगा तो हम अपनी अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।
लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।